में हम कसोल और मणिघाट की यात्रा पर हैं। बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, दिलकश मंजर, सिंगल वे है, नीचे पार्वती नदी बह रही है और ऊपर ऊपर हम चल रहे हैं। मैं स्कूटर पे हूँ और अकेला ही हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं थी किसी में जो मेरे साथ आ सके। बहुत बड़ा दिल चाहिए बाइक से पहाड़ों पे चलने का। मणिकरण सिखों का धार्मिक स्थल है और सिख समाज के लोग, युवा खासकर, बाइकों से खूब यात्रा करते हैं। रास्ते में आप देख सकते हैं कल मौसम बहुत ख़राब था, रात में पानी आ रहा था, तो सोचा मेरा सफ़र नहीं हो पाएगा। लेकिन जब सवेरे उठा तो मौसम साफ था, नेट पर देखा वेदर, तो आज दिन भर मौसम साफ रहने की उम्मीद थी, लिहाजा मैं अपने स्कूटर से कुल्लू से निकल पड़ा। कुल्लू से 40 किलोमीटर मणिकरण है, उससे 5 किलोमीटर कसोल है। कसोल भी बड़ी खूबसूरत जगह बताई गई, वहाँ भी आपको मैं दिखाऊंगा कसोल। और मणिकरण में बताया गया है कि गर्म पानी के स्रोत हैं, चावल उबाल लो, खाना बन जाए, इस तरह का इतना गर्म पानी निकलता है, वो देखेंगे। आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। शानदार, खतरनाक मोड़, खतरनाक घुमाव, सड़क के किनारे अनार के बगीचे, सेब के बगीचे, एक नाशपति बोलते हैं, नाशपति के बगीचे, ऐसे दिलकश नज़ारे कहीं शायद देखने को मिले। ये हिमाचल ही है देवभूमि, जहाँ आप इस तरह के नज़ारे देख सकते हैं और ज़िंदगी भर इन नज़ारों को अपने मन मस्तिष्क में सजोए रख सकते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, अब मैं आपको यह जयराम ठाकुर, यहाँ के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन है, अब आप देखें खूबसूरती चारों तरफ। खूबसूरत नज़ारे, पार्वती नदी सामने बह रही है, मैं भी ले लेता हूँ। खूबसूरती पीछे भी है, आगे भी है। बाय, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में वाहन को, अपने स्कूटर को सही चला नहीं पा रहा हूँ, तो बस मैं आपको इतना ही दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरे को जाना है कसोल। ठीक, बाय, गुड बाय मित्रों, दोस्तों।